आप सब, आज मैं आप सबके साथ जवे तोड़ने का जो मैंने बताया था, जो वीडियो आज गया है, मंडे का शाम का वीडियो था वो, तो वो आज गया है मॉर्निंग में। तो उसमें मैंने जवे का जिक्र किया था। जवे आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, मैदा मैंने आधी कटोरी के करीब मैदा ले ली है। इसको मैं छान लूंगी, छानना जरूरी होता है। इसको आपको कितना गूंथना है आपके तोड़ने पे डिपेंड करता है कि आप कितना मैदा तोड़ सकते हैं। जिनको आता है वो आधा किलो भी एक दिन में तोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी को आता है। तो मेरी मम्मी जो है, मैं और मेरी मम्मी मिलके आधा किलो मैदा भी तोड़ लेते हैं आराम से। लेकिन जिनको नहीं आता है उनको एक कटोरी गूंथा हुआ भी बहुत लगेगा। तो जिस तरह आप आटा गूंथते हैं रोटी का, लेकिन ज्यादा पतला ना करें। अगर आपने पतला कर लिया तो ये इसके जवे नहीं टूटेंगे, ना आपको इसे ज्यादा हार्ड रखना है। अभी मैं इसको भूख के रख दूंगी 30 मिनट्स के लिए, उसके बाद मैं इसको तोड़ना शुरू करूंगी। अब आपको इसमें घी का हाथ लगाना है, क्योंकि मैदा चिपकती है। और इसको एयर टाइट बर्तन में रखना है ताकि ये सूखे ना, पपड़ी पपड़ी आ जाती है वो ना आए। तो देसी घी ले रही हूं मैं, आप कुछ भी ले लीजिएगा जो आपके पास हो। तो मैंने थोड़ा सा देसी घी ले लिया, इससे ये चिपकेगी नहीं। ये जो है बिल्कुल अच्छे से गूंथ चुकी है। अब मैं इसको इसमें रख दूंगी। तो मैंने इसमें रख दिया इसको, बस अब इसको 30 मिनट बाद हम देखेंगे। इतना तक मैं अपने दूसरे काम कर लेती हूँ। खाने के लिए आटा गूंथना है दोपहर के लिए, तो मैं आटा गूंथ लेती हूँ इसी परांठ में। रखी हुई थी सुबह से, मैंने कुछ खाया भी नहीं है। सारा घर का काम वगैरह होता है तो मन कर जाता है, और मेरा मन इसलिए भी कर गया कि मैंने कहा चलो, पहले मैंने सोचा कि सैंडविच बनाती हूँ, गाजर वगैरह रखी है, शिमला मिर्च रखी है, फिर नहीं, मैंने कहा ब्रेड पिज्जा बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने सब कुछ तैयारी कर लिया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो चीज है इसको कद्दूकस कर लिया है, मोजरेला है ये, और ये है शिमला मिर्च बहुत ही थोड़ी सी, क्योंकि मैं अपने लिए बना रही हूँ सिर्फ, और ये थोड़ी सी प्याज है, और ये टमाटर, इन सबको मैंने एक ही साइज में काटा है बारीक सा करके। पिज्जा मंगाते हैं बाजार से, उसके साथ ये आता है, स्पाइस मिक्स आता है, और ये चिली फ्लेक्स आता है, तो मैं इनका भी यूज करूंगी। और इसमें मैंने जो ये सब काट के रखा है टमाटर, आप इसमें अगर आपके पास वो क्या बोलते हैं मक्की के दाने हैं वो भी यूज कर सकते हैं, अच्छे लगते हैं वो भी। मेरे पास नहीं है तो मैं सिर्फ इतना ही ले रही हूँ। अगर आपके पास एक दो चीज और है तो ये चीज जो है ये बाद में यूज करेंगे। इसके बाद काली मिर्च इसमें ज्यादा अच्छी लगती है मुझे, तो मेरे पास अभी पिसी हुई नहीं है, खत्म हो गई है, तो मैं इसी में इमाम दस्ते में कर लेती हूँ 2-3 काली मिर्च। थोड़ा सा नमक भी चाहिएगा। ये जो काली मिर्च है मैंने इसको इस तरीके से पीस लिया है, काफी अच्छा पीस गया है। तो मैं सारी नहीं डालूंगी, गर्मियां हैं मुझे प्रॉब्लम हो जाती है ज्यादा मिर्च मसाला खाने का, कभी कभी तो चलता है, तो मैंने थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डाल ली है। और वैसे भी ये जो स्पाइस मिक्स है इसमें सब कुछ होगा, हाँ इसमें है, तो ये इसलिए मैं थोड़ी सी ले रही हूँ। इसको मैं बाद में ऊपर से यूज डालूंगी। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ये चिली फ्लेक्स है ये ले रही हूँ, थोड़ा सा लिया है मैंने ये भी, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको भी ले लेते हैं थोड़ा सा, हल्का सा ही लूंगी इसको भी मैं, क्योंकि इसमें काली मिर्च के साथ साथ और भी जो है चीजें हैं मसाले वाली, तो ये भी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये लिया है मैंने केचप, और इसको मैं ब्रेड ले लिया है, ब्राउन ब्रेड लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। आज मेरे पास ब्राउन था तो ब्राउन ले लिया, व्हाइट होता तो मैं व्हाइट ले लेती, वैसे ब्राउन ब्रेड ज्यादा अच्छा होता है। और इसको मैं
फैला लूंगी चारों तरफ अच्छे से, और इसी तरह मैं दूसरे ब्रेड पे फैला लूंगी। ये सारी चीजों को जो तैयार करके रखा था वो अब इन दोनों ब्रेड पे फैला लेंगे अच्छे से चारों तरफ। अब ये जो चीज मैंने कद्दूकस करके रखी थी ये मैं इस पे डाल रही हूं दोनों पे। थोड़ा सा मक्खन लगा लूंगी तो इसको मैं रख लूंगी दोनों को इस पे, और उसके बाद इसको मैं ढक दूंगी एक बर्तन से ताकि ये अच्छे से बन जाए, और गैस को सिम कर दूंगी। तो ये मैंने इससे ढक दिया है थाली से, इसको थोड़ी देर होने देंगे। एक से डेढ़ मिनट बाद मैं इसको चेक करूंगी कि इसके क्या हाल है। तो जब तक हमारा ब्रेड पिज्जा तैयार होता है तब तक मैं बना लेती हूँ अपने लिए कोल्ड कॉफी। मैंने 2 चम्मच चीनी ले ली है और 1 चम्मच या देखती हूँ थोड़ा सा उससे कम डालती हूँ। तो इतना कॉफी ले लिया मैंने, और कॉफी इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, झटपट बन जाती है। तो ये जो ब्रेड पिज्ज़ा है इसको मैंने अभी 1 से 1.5 मिनट बाद कोल्ड कॉफ़ी बनाने के बाद चेक किया था, तो इसमें थोड़ा मुझे लग रहा था कि जो मैंने चीज़ इसमें डाला है वो नहीं पिघला है। तो इसको अगर टोटल टाइम इसका लगाया जाए तो 5 से 5.5 मिनट लगेंगे आपको इसको बनाने में। चीज़ जो इसमें हमने डाला है उसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा। बरामदे में आ गई हूँ खाने के लिए, और ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, और जरूर बनाना, ट्राई करना। क्या पता आप लोगों को आता हो मुझसे ज्यादा अच्छा बनाना। अगर किसी एक को भी नहीं आता है तो इस तरीके से बनाना और मुझे बताना कि कैसा बना था। तो ये कोल्ड कॉफी है, मैंने थोड़ी सी ही बनाई थी, और ये देखिए ग्लास कितना अच्छा लग रहा है। मैंने इसमें ना चॉकलेट जो होता है हर्षी का वो किया हुआ है साइडों में ग्लास के, तो आप लोग भी खा लीजिए और नीचे से देखें कैसा हो रहा है, एकदम बढ़िया हो रखा है। तो खा लीजिए आप लोग भी, मैं खा लेती हूँ, फिर जवे तोड़ते हैं बैठ के आराम से। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि जवे किस तरीके से तोड़ रही हूँ मैं। अभी मैं कुछ सालों से जवे नहीं तोड़ती हूँ, यहाँ पे मेरी मम्मी मुझे भेज देती हैं शादी के बाद से। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे जो सिंधारा आता है उसमें जवे भी आते हैं, तो मेरी मम्मी जब मैं छुट्टियों में जाती हूँ तो वो मुझे जवे दे देती हैं, लेकिन मुझे तोड़ने आते हैं क्योंकि मैंने अपनी मम्मी के साथ बहुत उठवाए हैं जवे। तो जो मैदा हमने गूंथी थी उसमें से आपको वो लेना है, उसका छोटा सा पेड़ा, उसको अपने हाथों से करके एक बत्ती बनानी है। बत्ती अगर मोटी होगी तो आपको उंगलियां ज़्यादा चलानी पड़ेगी, अगर पतली है तो ज़्यादा नहीं चलानी पड़ेगी। तो अपने दोनों हाथों की उंगलियों से और दोनों हाथों के अंगूठों से आपको इसको बत्ती को तोड़ना है। आपको ये मार्केट में बने बनाए भी मिल जाएंगे, लेकिन घर की बात अलग होती है। अगर आप फ्री हैं, आपके घर में 2-3 जने हैं, जैसे आपकी मम्मी, आप या आपकी भाभी, ननन, मतलब कोई भी अगर आपके घर में 2-3 हैं तो आप आराम से इन जवों को तोड़ सकते हैं, और ये साल भर तक के लिए स्टोर किए जाते हैं, और बहुत सारे घरों में तोड़े भी जाते हैं जवे। मैं जब घर पे हुआ करती थी, जब शादी नहीं हुई थी, तो मेरी मम्मी, मेरी बड़ी भाभी और मैं तीनों मिलकर हम 1/2 किलो से 3 पाव मैदा रोज़ाना तोड़ा करते थे, और कनस्तर भर के हमारे घर में जवे तोड़े जाते थे क्योंकि बुआ को दिए जाते थे और मम्मी अपनी फ्रेंड को भी देती थी। तो इस तरीके से हम जो है जवे तोड़ लिया करते थे। तो बहुत ही आसान है, इनको तोड़ना मुश्किल नहीं है। जिनको नहीं आता है वो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करके देखिएगा, एक साथ आप मत ज़्यादा करिए, 1 कटोरी छोटी सी गूंथ लीजिए। अगर आप अकेले हैं तब थोड़ा बोर होंगे आप इस काम में, क्योंकि ये है ही ऐसा काम कि अकेले में नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी जब मैं इसको कर रही थी तो मुझे भी थोड़ा बोरियत हो रही थी अकेले में करने में, बच्चे भी हों साथ में तो ये रहता है कि बच्चे खेल रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, हम उनको देखते देखते अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चे उस स्कूल थे उस वक्त। तो मैं तोड़ लेती हूँ जवे, तो मैंने आपको दिखा दिया है कि जवे किस तरीके से तोड़े जाते हैं। और अगर आपको लगे कि मैदा हाथ में चिपक रही है तो आप सूखी मैदा 1 कटोरी में ले सकते हैं, फिर अपनी उंगलियों पे सूखी मैदा लगाकर आप इसको तोड़ें, फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी मैदा कुछ ज़्यादा ही पतली हो गई है, फिर आपको उसको ठीक करने के लिए आपको उसमें सूखी मैदा मिलाकर उसको ठीक करना होगा। और मैं जवों को बाहर धूप में सूखने के लिए नहीं रखूंगी, इनको अंदर ही सुखा लूंगी, क्योंकि धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, ये अंदर ही सूख जाएंगे, तो इसलिए इनमें धूल मिट्टी वगैरह जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो ये टूट चुके हैं, जितनी मेरी मैदा थी उसके ये सारे टूटे हैं, एक अखबार पे आ गए हैं ये।
और यहाँ मैंने डाइनिंग वाले कमरे में इनको उठा के रख दिया है ताकि मक्खियां वगैरह दूर रहें इससे। तो बाल तो मैंने अभी खोले हैं, जवे तोड़ते हुए नहीं खोले थे क्योंकि डर रहता है इसमें बाल वगैरह ना आ जाए, बहुत ध्यान से तोड़ने पड़ते हैं। तो इन जवों के लिए मैं एक बात और बता दूं, जितने आप इनको तोड़कर रख रहे हैं 5 किलो, 10 किलो, 2 किलो, 1 किलो, अगर आप उनको रख रहे हैं तो आप इनको भून कर रखें। जैसे आपने आज जैसे इतने तोड़े, 1 किलो मैदा के तोड़ने, आपने रोजाना एक एक कटोरी गूंथा या आधी आधी कटोरी गूंथा, तो वो सारा आप गूंथ लीजिए, जितने आपको तोड़ के रखने हैं वो सारे इकट्ठे कर लीजिए। उसके बाद इन्हें सूखने के बाद जब आप इनको रखने चलेंगे कि हाँ भाई अब ये मैं बंद करके रख देती हूँ, टूट चुके हैं जितने तोड़ने थे, तो आप उनको उस वक्त भून लीजिएगा, उनको स्टोर करने से पहले उनको भून कर रखिएगा। उससे इसमें सुरसुरी वगैरह नहीं होती है, कीड़ा वगैरह नहीं लगता है। ये बिल्कुल 1 साल तक आप रखना चाहते हैं, 2 साल तक आप रखना चाहते हैं, ये बिल्कुल आराम से रखे जा सकते हैं। मेरे जवे मम्मी ने पिछले जून में दिए थे, जो मैंने कल परसों बनाए थे वो देख लो, अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक है। वही उनके अंदर ड्राइनेस है जो उस टाइम थी। तो ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में पूरी डिटेल देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप में मुझे कहीं मैं चूक गई हूँ कुछ बताने में तो आप लोग मुझे कमेंट कर लीजिएगा, मैं वहां बता दूंगी। इनको लंबे समय तक हम रख सकते हैं लेकिन आप इनको भून कर रखिएगा। तो मैं चलती हूँ अंदर, बच्चे अंदर बैठे हुए हैं, विपिन आकर खाना खाकर ऑफिस चले गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं फ्री हुई हूँ, 3:30 बज रहे हैं, तो अंदर चलते हैं। मेरा क्लेचर नीचे गिर गया। अब मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। मैंने कुकर गैस पे चढ़ा दिया है और तेल डाल दिया है, तो जब तेल गर्म हो गया तो मैंने उसमें हींग और जीरा भी डाल दिया है। और उसके बाद मैंने जो इस चॉपर में प्याज लहसुन की 6-7 कलियाँ और हरी मिर्च चॉप करी थी वो इसमें मैं डाल दूंगी। और ये चॉपर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, किसी दिन मैं आपको इसको वीडियो में शेयर करूँगी इसको करते हुए। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले, जब प्याज हो गई हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी, नमक, लाल मिर्च, ये सब डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं इसको मिक्स करके अच्छे से इसमें डाल दूँगी टमाटर, और 2 टमाटर लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, उसको भी मैंने इस चॉपर में ही चॉप किया था और बहुत ही बढ़िया चॉपर है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद कुछ देर ढककर रख दूँगी, और उसके कुछ देर बाद मैं इसमें डाल दूँगी कसूरी मेथी, जब मुझे लगेगा कि थोड़ा थोड़ा तेल अलग होने लगा है टमाटर से तब, और फिर मैं इसको ढककर रख दूंगी कुछ देर के लिए। और जब लगेगा कि तेल पूरी तरीके से अलग हो गया है तो मैंने जो बढ़ियाँ भिगो कर रखी हुई थी वो मैं इसमें डाल दूंगी, और जो आलू काट के रखे हुए हैं वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें जितना भी पानी मुझे डालना है, जितना लगता है कि हमें डालना है, जैसे मैं चावल नहीं बना रही हूँ इसके साथ, रोटियों से खानी है तो ज़्यादा पतली नहीं रखूँगी इसको, तो इसको भी अच्छे से मिक्स करके चला के मैं ढक्कन बंद करके रख दूंगी, और ये 3 सीटियों में या 2 सीटियों में आराम से हो जाएगी। और इधर मैं तब तक रोटियां बना लूंगी, ये मेरे पास किचन में ही खड़े रहते हैं जब तक मैं खाना बना रही होती हूँ, चाहे मैं दोपहर में बना रही हूँ, अगर ये घर पर हैं तो ये मेरे पास ही खड़े रहते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। मैं बोलती भी हूँ आप अंदर चले जाओ गर्मी हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं मानते मेरी बात। और अच्छा तो मुझे बहुत लगता है लेकिन ये लगता है कि गर्मी है, इनको गर्मी लग रही होगी, पर ये मानते ही नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, थकान नहीं हो रही होती उस वक्त मुझे काम करते हुए भी, क्योंकि ये मेरे पास खड़े होते हैं। वैसे तो ये मेरी थोड़ी बहुत हेल्प भी करते रहते हैं, खाना पकड़ा देते हैं बच्चों को, या कुछ इधर उधर कुछ फैला होता है तो उसको भी समेट देते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे हैं इस मामले में। देखिए सब्जी कितनी अच्छी लग रही है देखने में, आलू बड़ियों की। और मैंने 2 रोटी ले ली है, खीरा काट लिया है, खीरे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खाने के साथ, तो मैं खाना खा लेती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। तो आज ये मेरी दोनों वो वाली कुर्तियाँ लेकर आ गए हैं जो मैंने टेलर भैया को करीब 15-20 दिन पहले दिया था उनको ठीक करने के लिए। ये दोनों कुर्तियाँ मैंने आपको अपने एक वीडियो में दिखाया था, शायद वो पिछले अप्रैल की वीडियो होगी। तो ये दोनों कुर्तियाँ ठीक होके आ गई हैं, और ये वाली कुर्ती भैया ने कट स्लिप कर दी है, मैंने बोला था भैया छोटी छोटी बाजू लगा देना, लेकिन उन्होंने पता नहीं सुना नहीं होगा उस टाइम ठीक से, तो ये कट स्लिप हो गई है। तो देखती हूँ इसमें बाजू लगवाती हूँ या नहीं लगवाती हूँ, ऐसे भी पहन सकते हैं वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। और पीछे ये कूलर ठीक कर रहे हैं, उसमें से पानी निकल रहा है तो ये उसको देख रहे हैं, और ये ऐसे घर के जो छोटे मोटे सामान होते हैं वो अपने आप ठीक कर लेते हैं, मोटर कूलर में लग चुकी है। ये लोग बाहर घूम रहे हैं, मैं भी 2-1 राउंड लगा चुकी हूँ और 10:01 ही बाकी है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियो का एंड कर देती हूँ।
और सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, इनको भी बहुत टेस्टी लगी। और आप लोग भी मेरी तरह ही सिंपल इसी तरह बनाते होंगे रोजाना, कहीं किसी के घर में भी, डेली में किसी के घर में भी ज्यादा मिर्च मसाले यूज नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ अपनी जो भी बनाती हूँ शेयर कर देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और आप लोगों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स तभी आप लोग करते हैं मुझे। तो बस चलिए अब करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।